Hello everyone, I am back with new video. So today we'll be learning very important tense in the series of how to learn English. उसी सीरीज में हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस सीखने जा रहे हैं. इस टेंस के बारे में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है और वो टेंस है पास्ट परफेक्ट. काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि बहुत पुरानी घटना होती है उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है. आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये गलत कथन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कितनी भी पुरानी घटना हो यू कैन यूज़ पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का कुछ स्पेसिफिक पर्पस है और वो हमें सीखना चाहिए. सीखने से हमें काफ़ी एक प्रकार से लिबर्टी मिलेगी और भी ज़्यादा अच्छा बोलने का और लिखने का. मोर एवर इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया इज सर्टेन, आना ही आना है, निश्चित रूप से आता है. सो लेट्स सी समथिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑलरेडी एंड नाउ आई विल टेल यू एंड देन आई विल टेल यू द लाइव एग्जाम्पल. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट सीख चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि क्रिया खत्म हो जाती है और उसका इम्पैक्ट हमें फील होता है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना होता है. क्रिया खत्म हो गई है उसके अंदर बट उसका इम्पैक्ट है. और फॉर्मेशन हमने देखा था हैज़ हैव हेल्पिंग वर्क की तरह और उसके साथ में मेन वर्क थर्ड फॉर्म. एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैज़ हैव का भी स्पेशल यूज़ बताऊँगा, लेकिन अभी आप देखो कि अगर वर्क की तरह मानते हैं इसको, मान लो अभी मेन वर्क की तरह मान लेते हैं हैज़ हैव वर्क भी है, उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो हैड होता है. तो वॉट आई वॉन्ट टू से कि हैज हैव भी हम प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में इसको लेंगे, बाद में अलग से क्लास लूँगा मैं इसकी, और हेड को पास्ट सिंपल की श्रेणी में भी लूँगा लेकिन अलग से सिखाऊंगा क्योंकि इससे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकलती है और कुछ मॉडल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से कर रखा है. लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हैज हैव भी एज ए मेन वर्ब यूज होता है, जैसे हमने बी फॉर्म का प्रयोग सीखा है, और हेड का प्रयोग बिल्कुल पास्ट की तरह यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल में, लेकिन उसके साथ बहुत सारे स्पेशल चीज़ें लिखने के लिए और बोलने के लिए एबिलिटी हम प्राप्त कर सकते हैं. सो वो बात की बात है. लेकिन अभी मैंने उसमें वर्क थर्ड फॉर्म जोड़ा है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. जैसा पहले भी मैं बताता आया हूँ कि जनरल वे में हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं लेकिन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जब ये फॉर्मेशन हैज हैव और थर्ड फॉर्म हो जाती है तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट. अब जब हमने सीख लिया कि हैज हैव को पास्ट में ले जाएंगे तो हेड बनेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये तो चेंजिंग हो गया. अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि पास्ट परफेक्ट है क्या. जो ऐसा मैंने पहले कहा था कि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि हम इसका प्रयोग करते हैं बहुत ही पुरानी चीज़ों के लिए. इफ़ एनी थिंग इज ऑफ सो ओल्ड नेचर एंड एक्शन इज सो ओल्ड देन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. ये यूज होता है मेनली सिक्वेंस है, अगर इवेंट का पास्ट में एक के बाद एक या एक के पहले एक, ऐसे सीक्वेंस को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं. बिल्कुल ही अलग ही स्पेसिफिक यूज है इसका. सो आई रिटर्न ए सिंपल डेफिनेशन बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड. एक बहुत ही सरल परिभाषा मैंने लिखी है जिससे आप समझ सकते हैं. दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब, इस टेंस का प्रयोग होता है वर्णन करने के लिए द सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, घटना एक के बाद एक, एक का पहले एक होती है वैसे उस सीक्वेंस को इन द पास्ट, लेकिन वो घटना पास्ट की होनी चाहिए. प्रेजेंट की घटना के लिए बिल्कुल इसका यूज नहीं करेंगे. मान लो मैंने एक जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है. सपोज वी हैव टू एक्शंस, मान लो कि हमारे पास दो एक्शन है, एक घटना पहले हो रही है बाद में हो रही है, एक बाद में हो गई उसके बाद में जो भी इवेंट बन रहा है. तो वी हैव टू एक्शंस विच वर कम्प्लीटेड इन द पास्ट, चाहे पहले हुई उसके एक या उसके बाद में हुई, मतलब बिफोर या आफ्टर, जो भी सिचुएशन हो. सिचुएशन में बिफोर या आफ्टर कोई भी एक्शन होता है तो उसके लिए एक सर्टेन रूल्स बना दिए गए हैं दैट वी हैव टू फॉलो. दैट इज वॉट आई वॉज टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसमें आपने गलती की सिक्वेंस में तो बिल्कुल ही गलत आप लिखोगे या फिर एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स नहीं आएंगे. जब भी दो घटनाएं हो रही है, आप मन में गांठ बांध लो कि जब भी दो घटनाएं एक के बाद एक हो रही है, एक से पहले एक हो रही है, कोई भी होने दो, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है विच वन इज नंबर वन, पहले घटना कौन सी हुई है, उस घटना को आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखना है. बस ये आपको याद रखना है. एनीथिंग जो भी पहले हो गया है वो एक्शन नंबर वन है और वो पास्ट परफेक्ट. उसके बाद में जो घटना घटती है
वो पास सिंपल में लिखना। इसीलिए एडवर्ब्स इसके दो ही हैं मेनली। सिंस फॉर का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं, वो मैं लेटर वाली क्लासेस में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू मच मोर देन दिस। आपको क्लैरिफाई करना है, आप कन्फ्यूजन दूर करना है, इसलिए मैं उस कन्फ्यूजन को डालना नहीं चाहता अभी सिंस फॉर वाले को। सिंस फॉर का भी प्रयोग कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन आज आपके लिए इतना मैं मानूंगा कि अगर आप ये सीख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर का कैसे सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाएंगे। 1 से 2 मार्क्स निश्चित है, 10th में भी आना ही आना है, और जनरल वे में डे टू डे लाइफ में हम लोगों को बोलने के लिए भी कई बार जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ आगे पीछे हुई है, तो हर तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कोई भी घटना पहला जो हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो हो रहा है पास्ट सिंपल में। चलो मैंने वो वाक्य अभी लिखा नहीं, मैं बोल के बताता हूँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, समझाने के लिए बहुत ही अच्छा वाक्य माना जाता है। मान लो मैं एक हिंदी में वाक्य बोल रहा हूँ, जनरली कई बार हमारे लाइफ में ऐसी घटना घट भी जाती है। कैसे? मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन छूट गई आपकी। तो हुआ क्या इसके अंदर? ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो एक्शन नंबर 1 हो गया। उस क्रिया को जो ट्रेन जा चुकी थी, जो पहले घट गई, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और मैं लेट पहुंचा हूँ स्टेशन, तो मैं अपने लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करूँगा इस प्रकार से। तो उसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई थी, तो इसमें क्या हुआ? आप पहले पहुंच गए, तो आपका एक्शन नंबर 1 हो गया, और उसके बाद ट्रेन आई तो एक्शन नंबर 2 हो गया। तो मैं लिख के भी बताऊंगा, फिलिंग दी ब्लैंक्स भी बताऊंगा, बट जस्ट स्टिक टू द बोर्ड एंड जस्ट सी व्हाट आई रिटन। एक्शन नंबर 1 पास्ट परफेक्ट, एक्शन नंबर 2 पास्ट सिंपल। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ब हैं। इसमें रूल बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बन गया, हेड ही है थर्ड फॉर्म, हेड इज फॉर ऑल, सब्जेक्ट कोई भी हो हेड ही आना है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बना के रखी है आप लोगों के लिए, इसी के बेस पे मैं आपको अभी फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करके बताऊंगा और उसका मीनिंग भी बताऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन नंबर 1 पास्ट परफेक्ट, बिफोर, और बिफोर के बाद में ये जुड़ा होना चाहिए एक्शन नंबर 2, जो कि पास्ट सिंपल में लिखना है। वैसे ही एक्शन नंबर 2 अगर आफ्टर है तो ये आफ्टर से इधर आएगा एक्शन नंबर 2, और उसके बाद में आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत ही कनिंग होता है, मैं अगर ऐसा बोलूँ, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज है बट स्टिल चालाकी बहुत करते हैं, कई बार यहाँ से उसको मैथमेटिकल वे में कट कर देते हैं, ये चीज़ इसको आगे जोड़ देते हैं, तो वो भी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मतलब स्ट्रक्चर तो यही रहता है, बट इस स्ट्रक्चर को लिखना शुरू कर देते हैं बिफोर से या आफ्टर से, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको आगे जोड़ देते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। आपने अगर देखा कि पास सिंपल आपको भर के दिया गया है बिफोर के साथ में, अगला अगर भरना भी दे रहे हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट नहीं भरना पड़ेगा, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद जो भी भरना है तो वो आपको पास्ट सिंपल में भरना। तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ, जस्ट मैंने हिंट दिया कि अगर मान लो कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो वही इस प्रकार से ये होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। तो मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ इस एरो को, और फिर वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। ये हमारी स्थिति है जो जनरली हमें फेस करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, और बोलने के लिए तो ये बहुत ईजी हो जाता है फिर। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ, और वो ट्रांसलेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगा और फिलिंग दी ब्लैंक्स भी है। बाकी स्ट्रक्चर मैं यहीं पर रख रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके लिए आसान हो। तो देखते हैं, और ये भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने बोला था अभी आपको वर्बली हिंदी में। ओके, सो द ट्रेन लीव द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। आफ्टर बिफोर इफ यू सी ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म इज फिल्ड अप हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू फिलअप वी हैव टू फिलअप हियर हेड एंड लीव थर्ड फॉर्म इज लेफ्ट। क्या हिंदी बन गई इसकी? ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, एक्शन नंबर 1, ये आपका एक्शन नंबर 1 हो गया, और वो एक्शन नंबर 2 मेरे पहुंचने से पहले, मतलब यू आर लेट टू रीच, तो आप एक्शन नंबर 2 में आ गए, एक्शन नंबर 1 में ट्रेन जा चुकी थी, ये हो गया। तो ये वाला सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया। अब मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ,
भैया थोड़ा अलग ले लेता हूँ। वर्ब चेंज कर दिया मैंने। और मैंने इसके बाद में यहाँ नीचे ले लेता हूँ, बोर्ड पे कवर नहीं होगा नहीं तो। ऐसा दे दिया। अब आप देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक बनाया, द ट्रेन ब्लैंक अराइव एट द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड, मतलब आपके पहुंचने के बाद ट्रेन आई थी, मीन्स योर एक्शन नंबर वन वाज देयर, आप पहले पहुंच गए थे स्टेशन पे, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। एक्शन नंबर वन पास्ट परफेक्ट, ऑलरेडी भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ होगा तो इधर भरा होगा, इधर आपको भरना पड़ेगा। कई बार दोनों साइड में ब्लैंक दे देंगे, दोनों साइड में ब्लैंक दे देंगे, तो इसी वजह से आपको ये पूरा याद रखना है कि ये क्या सिचुएशन बनती है बिफोर के साथ में, आफ्टर के साथ में। दैट्स व्हाट दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अब चलो इस केस को देख लेते हैं। सो द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन आफ्टर हैड रीच, यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म भरना है। क्या हिंदी निकल के आ जाएगी इसकी? ट्रेन आई थी स्टेशन पर मेरे पहुँचने के बाद में। इस प्रकार से वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो अगर किसी को होगा कि बहुत पुरानी घटनाओं के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। नो, दिस इज ओनली टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विच हैज टेकन प्लेस वन आफ्टर और वन बिफोर अनदर इन द पास्ट ओनली, और पास्ट की घटना होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, आई एम कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास, वट एवर यू से, अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड, वाई बिकॉज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हैज़ का भी प्रयोग उस दिन देखेंगे, हैज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अलग से उसको कैसे यूज करना है, दैट विल गिव यू अनदर, यू कैन से लिबर्टी और पावर टू स्पीक एंड राइट वेल, एंड यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज। मैं यहीं पे थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हैज़ से कोई चीज़ लिखी हुई है या हेड से कुछ लिखा हुआ है और आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, दैट कैनॉट बी काउंटेड एज पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, वट एवर मे बी द केस, दैट इज टोटली डिफरेंट इशू। इफ यू हैव टू सी दैट इट इज परफेक्ट After has a third form should be there for present perfect, and after had third form should be there for the past perfect. If third form is missing, it means that is totally different scenario altogether, and that is different tense. How it is to be brought into the tense, और कैसे उसको tense के साथ parallel करना, अगली class में देखेंगे। और इसमें भी अगर थोड़ा बहुत doubt आपको रह जाता है, keep practicing, मैं एक बार थोड़ा सा और remind करा दूंगा। I hope you will understand, so important past perfect. Please take care of yourself. Still, that corona COVID virus is spreading a lot in our country. So stay at home, keep studying, keep watching the videos, keep learning. And if you like, press our like button and subscribe, and tell others also to subscribe. Thank you very much for the day. Okay, bye.